सत श्री अकाल दोस्तों, अज की इस वीडियो के थोड़े सारा का बहुत बहुत स्वागत है। अज की इस वीडियो में दोस्तों आप सीखांगे कि दूत अखर पंजाबी लैंग्वेज के आप किवें टाइप करने हैं। तो दोस्तों दूत अखर वह अखर होंगे जेडे किसी भी पंजाबी अखर के पैरों के टाइप किए जाते हैं, जिमें कि आप नॉर्मल लाइफ के भी लिखते हाँ, जिमें पैर के हाहा हो गया, पैर के रारा हो गया, ठीक है जी। ये जो पैर के अखर लिखे जाते हैं इन्हों आप कहने दूत अखर कहने। पंजाबी लैंग्वेज के दूत अखर तीन तरह के होंगे ने। पहला होंगे है पैर के हाहा, दूजा होंगे पैर के वाहवा, एंड तीजा होंगे है पैर के रारा। आज इस वीडियो के आप इन तिना करैक्टर्स नूं तां टाइप करना सीखांगे, नाल दी नाल ये जिहड़ा अद्धा यईआ ए वाला सिंबल है ये भी टाइप करना सीखांगे, एंड ये अद्धा कित्थों टाइप हुंदा है इसनूं भी आप अज्ज इस वीडियो के टाइप करना सीखांगे। तो चलो फिर दोस्तों अज्ज दी इस क्लास नूं शुरू करदे हां। तो आप हुण सीखदे हां कि पैर दे विच हाहा किवें टाइप करना है। तो दोस्तों सब तो पहला मैथड है शिफ्ट वाला मैथड, ठीक है जी। शिफ्ट दे लई सिंपली अपनी फिंगरस नूं एवें प्लेस करना है, ठीक है जी। तो यह जिहड़ी राइट वाली शिफ्ट है इसनूं आपां ने की करना है, प्रैस करना अपनी राइट हैंड दी स्माल फिंगर नाल, ओके जी। तो क्योंकि ये जिहड़े उपरले इस आपां नूं ये चार बटनों तो ही काम पेगा मेनली, ठीक है, आपां नूं दिख भी रहा होएगा, ठीक है। एक हैगा बैक टिक वाला सिंबल एंड 1 2 3, ठीक है। शिफ्ट दे नाल इन्हां दा कंबीनेशन टाइप करांगे आपां, दैन अपने कोले की हो जाएगा यह पैर दे विच जो भी सिंबल अपने टाइप करने ने यह टाइप हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो हुण अगर मैं शिफ्ट प्लस बैक टिक दबावांगा, ठीक है जी, किहड़ा वाला शिफ्ट प्लस बैक टिक, तो देखो किवें होएगा। तो पहला देखो मैं सिंपली कक्का टाइप कर देना रेफरेंस वास्ते कि देखो पैर दे विच हाहा टाइप हो जाता है, ठीक है। तो शिफ्ट दबाया एंड ए देखो स्माल फिंगर दे नाल, ठीक है नहीं, दबाया देखो पैर दे विच की पै गया हाहा टाइप हो गया, ओके जी। तो दोस्तों हुण आपां टाइप करना है पैर दे विच वाहवा, ठीक है जी। पैर दे विच वाहवा किवें टाइप करेंगे, मैंने लिखा भी पिया है शिफ्ट प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली की करना है, मैंने पहला तो देखो रेफरेंस वास्ते मैं कक्का टाइप कर लेना, ठीक है। तो हुण की करांगा, शिफ्ट दबाया एंड जो मेरी लैफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है वो मैं की दबाऊंगा 1, ठीक है जी। तो देखो पैर दे विच वाहवा भी टाइप हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके नाल अगर मैंने अद्धा यही टाइप करना है तो सिंपली की है, पहला कक्का टाइप कर लो, जो कुछ भी है कोई भी होर अल्फाबैट है जिहड़ा तुसीं लिखना चाहते, जिवें कि ला लो खखा लिख लिया, ठीक है ना। खखे दे नाल हुण अद्धा यही मैंने टाइप करना, तो किवें करांगा मैं, देखो शिफ्ट प्लस 2 करके, ठीक है जी। तो शिफ्ट दबाया इधर उहदी स्माल फिंगर नाल एंड 2 मैं दवांगा बड़ी फिंगर दे नाल, ओके जी, जो मेरी मिडल फिंगर है, देखो अद्धा यही टाइप हो गया। एवें दोस्तों अगे जाना हुण पैर दे विच रारा, ठीक है, शिफ्ट प्लस 3, देखो थोड़ा भी दिख रहा होना अद्धा सोल्यूशन, तो थोड़ा उरे देख के पता लग गया होगा कि सर ने किमें टाइप कर रहे हैं, है ना। बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो किमें करना हूँ, देखो इतने दबाया मैंने कक्का, ठीक है जी। हूँ पैर दे विच अगर मैंने रारा टाइप करना तो किमें करूँगा, शिफ्ट प्लस 3, ठीक है जी। आ देखो शिफ्ट प्लस 3 करता तो पैर दे विच की पै गया रारा टाइप हो गया। एवें दोस्तों अगे आ जाता हूँ अदक किमें टाइप करना आपां ने, हूँ अदक दे लई की करना, देखो अपना शिफ्ट प्लस 4 लिखा ही होया, तो 4 टाइप करूँगा मैं अपनी फर्स्ट फिंगर दे नाल, ठीक है जी। तो इतों दबाता मैंने 4, देखो ये सारे सिम जो मैंने ये पैर दे विच हाहा वाहवा रारा यईआ ते अदक टाइप किया, ये सारे मैंने किवें टाइप किए ने, शिफ्ट की मदद दे नाल, ठीक है जी, राइट वाले शिफ्ट की मदद नाल, ओके दोस्तों। करन नूं तां तुसीं ए वाली शिफ्ट नाल भी कर सकते हो, बट क्योंकि ये सारे सिंबल जो ने ये लैफ्ट वाली साइड पर ने, तो आप की करांगे राइट वाला शिफ्ट यूज़ करांगे अपनी कन्वीनियंस वास्ते, ओके दोस्तों। हुण दोस्तों जो अपना नैक्सट वाला मैथड है वह हैगा डी वाला, जो कि मच बैटर मैथड है शिफ्ट वाले मैथड के नालों, ओके दोस्तों। तो ये वाला मैथड हुण आपां किवें टाइप करना वो देखो, देखो जी हुण पहला की किया आपां ने, सिंपली कक्का टाइप कर लिया अपनी रेफरेंस दे लई, ठीक है। हुण देखो डी एक ऐसा मतलब कि बटन है, जदों इसनूं प्रेस करदे आ ना आपां तां नीचे ए वाला सिंबल टाइप हो जाता है। ए वाला सिंबल की करता है, कोई भी अक्षर तुसीं अगर टाइप करोगे, कोई भी नहीं मतलब कि इन्हां चारों अक्षरों के विचों अगर कोई अक्षर तुसीं टाइप करोगे, चाहे हाहा है वाहवा है, तो यह की करेगा उसनूं पैर दे विच लिख देगा। हुण देखो किवें, हुण कक्का मैंने लिखता, उस तो बाद मैंने की प्रेस किया सी डी, उस तो बाद मैं की प्रेस करूँगा यू, यू क्यों बई, क्योंकि यू तो ही तो हाहा पैंदा सीगा, देखो हुण जदि मैंने यू दबाया तो की पै गया, और ये दोस्तों मेरे को पैर दे विच हाहा टाइप हो गया। एवें ही दोस्तों अगर मैंने पैर दे विच वाहवा टाइप करना है तो किवें करांगा, देखो सिंपली हैगा, पहला मैंने कोई भी अक्षर टाइप कर लिया, चलो कक्का तो बोर हो गए होंगे तुसीं देख देख के, चलो गग्गा लिखता, ठीक है दोस्तों। हुण गग्गे दे पैर दे विच मैंने की टाइप करना, वाहवा टाइप करना, तो हुण सिंपल है, देखो पहला तो मैंने की दबाता डी, ठीक है जी, डी दे नाल आ वाला सिंबल पै गया। हुण मैंने पैर दे विच वाहवा टाइप करना, वाहवा कित्थों दी पैंदा सीगा अपना बी दे नाल, ठीक है जी। तो सिंपली की किया बी दबाता, देखो गग्गे दे पैर दे विच की पै गया वाहवा पै गया।
तो देखो कितना ईजी मैथड है। एडी वाला मैथड की है मच बैटर है शिफ्ट वाले मैथड नालों। क्यों? क्योंकि शिफ्ट वाले मैथड के फिंगर को काफ़ी दूर तक लेके जाना पैंता है तो उस नाल अपनी कन्वीनियंस घट जाती है, मतलब कि एरर आने के चांसिस ज़्यादा नहीं, कोई होर बटन भी तो टाइप हो सकता गलती ना, ठीक है जी। बट डी वाला मैथड की है फार बैटर है, थोड़ा कोई भी एरर नहीं होएगा, जल्दी तो जल्दी टाइप होएगा नाले थोड़ा, ठीक है ना, हाथ तो बैठे होएगा कीबोर्ड पर। उस तो बाद हम देखो जी आपने की टाइप करना है, अद्धा ही है तो सिंपली कोई भी लैटर अपना टाइप कर लिया तुम, जिमें कि दद्दा टाइप कर लिया, ठीक है जी। हूँ दद्दे के नाल की पाना अपनी अद्धा ही पाना, हूँ आपको दिख रहा है तो किमें पेगा अद्धा ही है, डी प्लस ए स्लैश वाला सिंबल, ठीक है जी। तो डी दबा तो देखो पैर के पिछे वाला सिंबल पै गया, उस तो बाद अपना जो ही कितों पैंता से दोस्तों इतों की है ना, ए समॉल फिंगर देना दबाया अपने देखो अद्धा ही है, ठीक है जी। एवें ही हूँ मैंने की पाया पैर के रारा, वह किमें पेगा देखो दोस्तों, हूँ अपने पहला कोई भी लैटर टाइप कर रहे जिसे पैरों के रारा पाना मैंने, उस बाद सिंपली की किया डी दबाया, ठीक है जी, पैर के सिंबल आ गया। उस तो बाद जो अक्षर मैंने पैर के टाइप करना है जिमें कि देखो मैंने रारा टाइप करना, तो रारा मैंने पता है कि जे तो टाइप होंगे तो मैंने लिख दिता और पैर के रारा। तो दोस्तों होपफुली थोड़ा सारा समझ आ गया होगा कि कहड़ा लैटर कितों टाइप होएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपू डी वाला मैथड ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये की है एक मच बैटर मैथड है, थोड़ा ज़्यादा दूर तक फिंगर ने अप्रोच करने की लड़ नहीं पेगी, थोड़ा हाथ क्योंकि इस कीबोर्ड तो बैठी हुआ है तो जल्दी टाइप थोड़ा सारे करैक्टर जल्दी तो जल्दी टाइप हो जाएंगे, ओके दोस्तों विदाउट एनी एरर। तो दोस्तों हूँ आप थोड़ा जे वर्ड टाइप करके देखते हैं कि सो दैट थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किमें आप इन्हों पैर टाइप करना वर्ड्स के, ओके जी। जिम्मे मान लो हूँ मैंने प्रश्न लिखना है प्रश्न, ठीक है जी। प्रश्न के स्पैलिंग की होंगे ने दोस्तों, देखो पप्पा पप्पे के पैर के रारा होंगे ना, तो देखो डी दबाया तो पैर के रारा पै गया, ओके जी एवें करके। फिर उस बाद शशा फिर नन्ना, देखो कितना ईजी हैगा, ओके जी। हूँ जिमें मान लो मैंने टाइप करना है ओ ना, ठीक है जी, तो किमें करते होंगे ने उड़े नू औंकड़, ठीक है जी। नन्ना नन्ने के पैर छाहा पैंदा होंगे तो डी दबाया तो उपर दबा हा हा, ठीक है देखो पैर के हाहा पै गया। एवं करना फिर बिंदी, देखो ऊना पै गया। तो दोस्तों यही तरीका मच बैटर है डी वाला जो तुम फॉलो करना चाहते हो। यही अक्षर अगर मैं थोड़ा शिफ्ट वाले मैथड ना लिख के दिखावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। देखो अगर मैंने प्रश्न टाइप करना है तो सिंपल है पप्पा दबाया, ठीक है जी। हूँ मैंने पता है शिफ्ट प्लस थ्री के पैर के रारा पैंता है तो शिफ्ट दबाया एंड थ्री, देखो जी पर पप्पे के पैर च रारा पै गया, फिर शशा फिर नन्ना। एवं मैंने अगर ऊना पाना है, ठीक है जी, तो उड़े नू औंकड़ पाता नन्ना, एवं शिफ्ट दबाया तो जोड़ा ये बैक टिक वाला सिंबल से पैर च हा पै जाता है, ठीक है जी, एंड करना फिर बिंदी। हूँ देखो अपनी अपनी कन्वीनियंस होंगी है, थोड़ा किसी बच्चे शिफ्ट वाला मैथड वधिया लग सकता है, किसी डी वाला, ठीक है दोस्तों। जो मेरा तो फर्ज सगा भी थोड़ा दोनों मैथड सिखा दा, हूँ थोड़ा जोड़ा वाला मैथड वधिया लगता है तुम उसी के नाल दूत अक्षर टाइप कर सकते हो एंड अदक वगैरह जो भी तुम टाइप करना, ठीक है जी, कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता थोड़ा अज का लैक्चर सारा समझ आ गया होगा, वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक एंड शेयर जरूर कर दियो एंड चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लियो क्योंकि इस चैनल के उपर मैं इदा ही इंट्रस्टिंग वीडियो थोड़े लिए लेके आता रहा। वीडियो देखने थोड़े सारा का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के।